हाय गाइस, और मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ, एक भिखारी बूढ़ा का और मेरा रियल स्टोरी है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो वो एक भिखारी बूढ़ा था, तो बुधवार के दिन वो भीख मांगने आता है। ठीक है, हर दिन नहीं आता है, सिर्फ बुधवार के दिन वो भीख मांगने आता है, इसलिए क्योंकि गुरुवार को उसको चावल चाहिए, मतलब एक अरुआ चावल रहता है और एक उसना चावल रहता है, तो दोनों चावल खाते हैं इंसान, और भी खाते हैं, बट रियल जो है एक उसना है और एक अरुआ है, हम लोग अरुआ बोलते हैं। तो उसको अरुआ चावल चाहिए था, क्योंकि दूसरे दिन जो बुधवार के दिन वो भीख मांगने आते हैं, तो दूसरे दिन तो गुरुवार हो जाता है, तो गुरुवार के दिन वो वाला चावल खाते हैं, मतलब ओडिशा में और कहीं भी होता है, लेकिन ओडिशा में खास करके बुधवार गुरुवार के दिन जो लोग मानते हैं लक्ष्मी भगवान को, तो वो लोग खाते हैं अरुआ चावल, खाते हैं उसना चावल का उस दिन खाना नहीं खाते हैं। तो इसलिए वो मांगने आता है, जिसके जिसके घर में अरुआ चावल होता है वो तो दे देते हैं, और जिसके पास नहीं रहता तो नहीं लेता है, सिर्फ अरुआ चावल लेता है उसके बीबी के लिए, उसको कोई शौक नहीं है भीख मांगने के लिए, क्योंकि वो इंसान तो ऐसा है, कंप्यूटर क्लास पढ़ाता था बच्चे लोग को, सोचिए, और फीस भी नहीं लेता था, बस पढ़ाता था उसके खुशी के लिए, वो नौकरी करता था, रिटायरमेंट था, तो उसको पैसा का कमी नहीं था, लेकिन एक इच्छा था कि मेरे बीबी के लिए मैं मांग के लाऊं बोल के, इसलिए हर एक बुधवार को आता है। तो फर्स्ट हम लोग का घर आया, मतलब सब तरफ ख़त्म करके हम लोग का घर लास्ट में आया, वो 12 बजे के आगे ही मांगता है, 12 बजे के बाद नहीं मांगता है। तो ठीक 12 बजे के बाद ही हम लोग का घर पहुंचा, लास्ट घर था हम लोग का, तो मांगा। तो हम लोग तो अरवा चावल नहीं रखते हैं, क्योंकि कुछ फेस्टिवल होने से ही रखते हैं, नहीं तो हम लोग उसना चावल का खाना खाते हैं। तो बुधवार के दिन पहुंचा, मांगा तो नहीं था, तो बोला ठीक है बेटी एक गिलास पानी दे दो, तो मैंने एक गिलास उसको पानी दे दिया। ठीक है, पता नहीं उसको क्या लगा क्या नहीं लगा, हर एक बुधवार आता है और लास्ट हम लोग का घर ही लास्ट रहता है, और हम लोग का घर ही आता है और मुझसे एक गिलास पानी ज़रूर पीता है। ठीक है, फिर एक बार क्या हुआ, उसको बहुत जैसे भूख लगी थी, तो मुझे बोला कि थोड़ा सा खाना मिल सकता है, तो हम बोले ठीक है, तो हम क्या किए खाना दे दिए। तो मेरी मम्मी देखी कि मैं उसको खाना दे दी, तो बहुत गुस्सा हो गई, सोचिए कोई भिखारी को खाना देता तो गुस्सा होता है, नहीं होता है, लेकिन मेरी मम्मी क्यों गुस्सा हुई उसका कारण मैं बताती हूँ। मेरी मम्मी इसलिए गुस्सा हुई क्योंकि हम लोग का जो खाना बनता है वो हिसाब से बनता है, क्योंकि ज़्यादा खाना होने से हम लोग नेक्स्ट टाइम तो खाते नहीं हैं, रात को रोटी खाते हैं, दोपहर को जो खाना बच जाता है वो कोई खाता नहीं है, एक तो फेंक देते हैं, नहीं तो कोई खाता नहीं है, या फिर ख़राब हो जाता है, इसलिए हिसाब से खाना बनता है, हर लोग के लिए हिसाब से खाना बनता है। तो मेरी मम्मी इसलिए गुस्सा हुई कि मेरा जो खाना था मैं उस भिखारी बूढ़ा को दे दिया खाने के लिए, तो मेरा भाग का तो नहीं है, तो मैं तो आज भूखी रहूँगी, इसलिए मेरी मम्मी गुस्सा हुई कि मैंने उसको खाना दे दिया, और कोई बात नहीं है, बस उसको खाना दे दिया बोल के गुस्सा हो गई। ठीक है, उस दिन मैं भूखी रही, लेकिन वो भिखारी को पता भी नहीं था, वो बूढ़ा भिखारी को बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं भूखी हूँ, तो मेरा खाना खा लिया, और हम लोग का जो बाहर में जो खटिया जो ये होता है रस्सी का जो खटिया होता है, तो उस पर मैं बिठा के उसको खिलाई, हर कोई भिखारी देख के कोई नीचे बैठा के खिला देते हैं, कोई कहाँ, मुझे ऐसा कोई मतलब नहीं है, मैं ऊपर में बैठी थी तो उसको भी मैं ऊपर ही बैठा दी, और खाना भी दी, पानी उनी सब दी, वो खाया आराम से, फिर चला गया। तो हर एक बुधवार वो आता है और लास्ट में हम लोग का घर में ही आता है, भीख नहीं मांगता है और डेली भी खाना नहीं खाता, कभी कभार अगर बहुत जोर से भूख लग गई तो मांग के खाता है मैं, और हम ही देते, और किसी के पास मांगता नहीं है, वो किसी के घर में नहीं मांगता है कि मेरे को खाने के लिए दो। और इतना मतलब बूढ़ा पेटी सामान की जो भी सामान वो देखता था मेरे को, और बहुत प्यार भी करता था, तो वो कहीं भी भीख मांगने जाता है तो चावल तो उसको नहीं मिलता है, लेकिन ना कोई कभी सिंगाड़ा दे देते हैं, तो कभी लड्डू दे देते हैं, कोई बहुत कुछ देते हैं, तो बूढ़ा क्या किया मेरे लिए चुप चुप रख लेता है बचा के, और जब भी मेरे पास आता है बुधवार को तो हमेशा वो लड्डू हो कि कुछ भी हो मेरे को दे देता है कि तुम्हारे लिए लाए हैं बोल के, कितना खुश होता है, और तुम ही खाना बोलता है।
और मेरे को देता है, और बैठता भी है 2 घंटा 3 घंटा। और मतलब बहुत ज्ञानी बूढ़ा था, मतलब बहुत पुराना बूढ़ा था, तो बहुत ज्ञानी बहुत कुछ होते हैं। तो भगवान के बारे में, शिव भगवान के बारे में, विष्णु भगवान के बारे में बहुत कुछ बताता था। और मेरा मौसी और मैं दोनों मिलके सुनते थे, बहुत अच्छा लगता था। उसको भी हम लोग के साथ अच्छा लगता था, हम लोग को भी वो भिखारी बूढ़ा के साथ अच्छा लगता था। तो ऐसे ही दिन, हर एक बुधवार वैसे ही दिन बीतता है। तो एक बार क्या हुआ, मैं गांव चली गई थी। तो ठीक बुधवार को आया तो मुझे ढूंढा, घर वाले को पूछा कहाँ गई लड़की, तो लोग बोले कि गांव चले गए। लेकिन घर में पानी किसी को मांग के नहीं पिया, वो मेरे हाथ का ही पानी पीता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा हाथ का ही पानी पीता है। तो चला गया, ठीक है। फिर मैं जैसे गांव से घर लौटी तो मेरे घर वाले बोले कि वो भिखारी बूढ़ा आया था और तुम्हें पूछ रहा था, और पानी उनने तो कुछ नहीं पिया लेकिन पूछ रहा था कि तुम कहाँ गए, तो हम लोग बता दिए कि वो गांव चली गई है। सोचिए, उसके बाद जो बुधवार आया मैं इंतज़ार करते रह गई वो बूढ़ा को कि कब आएगा वो। लेकिन देखिए वो बूढ़ा कब का मर गया है, मुझे पता भी नहीं था। फिर और भी भिखारी आते हैं तो मैं उनसे पूछी कि वो वहाँ का जो बूढ़ा था वो कहाँ चला गया, तो बोला कि नहीं वो बूढ़ा तो मर गया, देखिए अभी तक भी नहीं आया। वो जो लास्ट था वो मुझे पूछा और मैं उसको पूछती रह गई, और ऐसे ही चला गया, बिना बताए चला गया। और मैं आज तक उसको कभी और देख ही नहीं पाई। लेकिन जो भी है, जो मेमोरी है, मैं चाहती हूँ कि वो मेमोरी तो मेरे पास तो है ही है। मैं चाहती हूँ कि ये जो यूट्यूब है, यूट्यूब में उसका जो मेमोरी है हमेशा रखना चाहती हूँ। मैं कहीं भी जाऊँ, भूल भी जाऊँगी, तो कभी भी मैं यूट्यूब खोल के देखूँगी, इस वीडियो को देखूँगी, तो मैं हमेशा याद करूँगी और हमेशा खुश रहूँगी कि ऐसे भी मेरे लाइफ में हुआ है। और ऐसे ऐसे बहुत हुआ है मेरे लाइफ में। और मेरा जो स्कूल का लाइफ है वो तो बढ़िया है। अगर आप भी सुनेंगे तो आप भी बोलेंगे ये कैसी लड़की है पता नहीं। अच्छा भी है और बुरा भी है, बहुत अच्छा है। अगर मेरा ये कहानी आपको अच्छा लगा, क्योंकि ये रियली है, आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन ये मेरे साथ हो चुका है। और बहुत कुछ भी होता है, बहुत सारा चमत्कार भी हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, कभी खुशी तो कभी गम, ऐसा बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे लाइफ का जो भी मेरे साथ हो चुका है मैं उसको आपके साथ बांटना चाहती हूँ। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ऐसे कि मेरे साथ जो अनुभव हुआ है मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो आप भी अगर इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, कोई नया देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। शेयर करने से कोई मतलब, और किसी को शेयर करेंगे वो लोग भी मेरा वीडियो देखेंगे और ऐसे भी मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं कल अपना स्कूल लाइफ का वीडियो छोड़ूंगी, और आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा बोलिएगा, ठीक है। इसी के साथ मैं यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म करती हूँ, इसलिए टाटा और बाय बाय।